हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन फ्रेंड्स आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल्स में वो है फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। आप जानते होंगे यूट्यूब चैनल का नाम मेरे ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशंस, एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वांट एंड एप्टीट्यूड का एक सेक्शन है फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। फ्रेंड्स कुछ ऐसी ट्रिक डिस्कस करूँगा आपके साथ जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अपनी कैलकुलेशंस में लगभग काफ़ी टाइम आप बचा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस उसके लिए करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं अब ट्रिक डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखिए, क्या आप लोग सब कैलकुलेशंस करते होंगे, लेकिन कैलकुलेशन को छोटे तरीके से भी किया जा सकता है। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ट्वेंटी फोर को फाइव से मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखते हैं हम लोग? सिंपल सा, फाइव फोर जा 20, जीरो लगाया, 2 कैरी हुआ, 5 टू जो 10 प्लस 2 120, इतना ही आएगा फ्रेंड्स। बिल्कुल 24 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करना इजी है, बहुत इजी ट्रिक है क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन है। अगर यहीं पे, अगर यहीं पे मुझे 224 करना पड़े या फिर 5 के मल्टीप्लिकेशन का। मैं प्रीवियस पेपर्स को देख के बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है पैटर्न 5 के मल्टीप्लिकेशन का। देखिए यहां पे एक ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है, बस एक मैथमेटिक्स का रूल है। अभी रूल भी समझ लेंगे, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है, 24 को 5 से मल्टीप्लिकेशन किया है तो इन्होंने किया क्या है, 120 हम कर लेते हैं, छोटे नंबर है, लेकिन जब अगर बड़ा नंबर आ जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्यों ना छोटे नंबर से कुछ ट्रिक निकाली जाए। क्या, जब भी आपको किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन नंबर हो, जब भी किसी को आप 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है, उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने लिखा 4876, को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, इजी है। क्या करना पड़ेगा, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी होता है क्योंकि एक जीरो लगानी होती है एंड में, वही हमने यहाँ पे किया है। तो आप यहाँ पे भी वही काम करेंगे, जब भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप उसे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। हमने इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12, और 12 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 10 से, कितना आ जाएगा, 120। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, आ गया 120 आ गया, ये 120। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी किसी को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अप्लीकेबल करते हैं, देखते हैं यहां पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, जस्ट उसका आधा कर दिया और एक जीरो लगा दिया, इजी है फ्रेंड्स। इसको करके देखिए, इसको करके देखिए, इजी है। और कोई नंबर लेते हैं, ये नंबर तो सेम हो गए, और कोई नंबर लेते हैं, ऑड नंबर लेते हैं कोई, फोर एट नाइन एट सेवन मल्टीप्लीकेशन 5, इसको आपको 5 से मल्टीप्लीकेशन करना है। ये फ्रेंड्स यूज होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट में, सिंप्लीफिकेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस का जब आप सॉल्व करते हो एक पैटर्न आ जाता है उसमें 5 से, और वहां पे हमें बहुत टाइम लग जाता है, तो हमें टाइम सेविंग करना है पेपर में। क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड करना बहुत ईजी होता है, और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लीकेशन में एक जीरो ही तो लगाना है, और क्या करना है, कुछ नहीं, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8,
2 4 8, 1 कैरी, 2 9 18, 2 3 6, फिर एक पॉइंट आ गया और 5। ये आया फ्रेंड्स, पॉइंट आ गया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट हटाया नीचे 10 लिखा, दिस कैंसिल आउट विद दिस, तो कैलकुलेशन क्या आ गई, 2 4 4 9 3 5। इसको 2 से डिवाइड किया, जिसको भी मल्टीप्लीकेशन करना है उसको 2 से डिवाइड करें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैलकुलेशन आ गई। इससे इजी कोई ट्रिक हो नहीं सकती 5 से मल्टीप्लाई करने की, जो ट्रिक मैंने आपके साथ डिस्कस की। चलिए एक और ट्रिक डिस्कस करता हूं आपके साथ, आप थोड़ा सा गौर करें तो मैथमेटिक का रूल है, कोई ट्रिक बने नहीं, सिर्फ मैथमेटिक के रूल से ट्रिक बनी है। एक और ट्रिक डिस्कस करते हैं, फोर्टी एट को 25 से मल्टीप्लाई करना है, कितनी स्पीड से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेंगे भी तो ज्यादा स्पीड नहीं रहेगी। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे तो 48 लिखेंगे, 25 करेंगे, देन मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करेंगे, हमें वो फॉलो नहीं करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे कुछ यूनिक करना है। तो यूनिक के लिए कैसे करेंगे, देखिए 48 मल्टीप्लीकेशन 25, जब भी किसी को भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, इसको 4 से डिवाइड करें, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, 2 आ गया और 2 जीरो लगा दें। क्या रूल हुआ, जब भी किसी को 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसे 4 से डिवाइड कर दें, 12 आया, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या किया, जो आया उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आया उसे क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक थी कि जब भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और देखते हैं एग्जांपल को कैलकुलेट करके, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए कैसे करेंगे, 4 6 24, 4 1 4, 4 5 20 और 2 जीरो लगा दिए। इजी है फ्रेंड्स मल्टीप्लीकेशन करना, अगर आपको लग रहा होगा कि मल्टीप्लीकेशन हमारी सही भी आ रही नहीं आ रही, तो देखिए इसको चेक भी कर लेते हैं, सिंपल सा करके देखते हैं, सिंपल कर सकते करके देखते हैं, 12 मल्टीप्लीकेशन 25, 12 को 25 से मल्टीप्लीकेशन है, 12 फिफ्थ जा 60, 60 का लगा 0 और 6 लगा हमारे कैरी पे, 12 टू जा 24 और 6, 300, यही आया। अभी हम अपनी ट्रिक से करते हैं इसको, यहां मैंने लिखा ट्रिक आपके सामने, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ट्रिक से करते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया 12 को 4 से डिवाइड करें कितना आएगा, 3 और 2 जीरो लगा दें, 100 से मल्टीप्लीकेशन करने के लिए 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, इजी है फ्रेंड्स। ये आपके पास हो गए 25 की, मैंने 5 की 25 की, अब 125 की करता हूं आपके साथ, आप इसे एप्लीकेबल करके देखिए, डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी आपको सॉल्व करने में। अब देखिए 125 की, करना है मेरे को। वैसे अगर आप करेंगे बहुत लंबा मेथड है, ठीक है ना, तो ट्रिक में क्या है, जब भी किसी को 125 से मल्टीप्लीकेशन करना होगा तो उसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट स्टेप्स, सेकंड स्टेप में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको करना है,
डिवाइड करके आएगा कितना, 87 जा 56, 70, और उसके आगे मल्टीप्लिकेशन कर दिया किससे, 30 से, तो 70 ही आया, 1 2 3 0 ये लगा दो, 70,000 करके देखते हैं क्या इतना ही आता है। 5 0 0, 6 5 30, 6 5 30, फ्रेंड्स यहाँ भी डिस्कस कर रहा हूँ ट्रिकी, अगर समझिए, पहले 5 0 0 किया, 6 5 30 किया, पहले यहाँ से यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दी, 6 5 30 और 2 0 ज़्यादा, 30 और 0 0 ही रहा हमारे पास, 30 ही आया, 0 लगे 3, 5 5 25, 1 0 0 0 और 6 2 12, 25 और 12 कितने होते हैं फ्रेंड्स, 25 और 12 37, 37 और 3 40 का 0 ऐसे लगे 4, 5 1 5, 5 2 10 और 6, 10 और 6 16 और 4 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 1 5 और 2 7, 70,000, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 70,000। मतलब अगर इस ट्रिक से जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और उससे भी इजी ट्रिक क्या है, ये वाली जो मैंने आपके सामने डिस्कस की, कि कभी भी किसी को 125 से मल्टीप्लीकेशन करना तो क्या करेंगे, मेरे पास 8 से डिवाइड कर देंगे और 1000 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ध्यान रखें ये, आप नोट डाउन कर लें साथ साथ। अब लास्ट ट्रिक डिस्कस करता हूं फ्रेंड, जो मोस्टली यूज होती है जब बैंकिंग क्वेश्चंस में, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं 625 फ्रेंड्स, ये और 125 बहुत ज्यादा यूज हो रही है बैंकिंग पेपर्स में, प्रीवियस पेपर को देख के फ्रेंड्स ये ट्रिक बनाई गई है ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। देखिए कैसे, 625 को किसी से भी चीज को 625 से मल्टीप्लीकेशन करना होता है तो कैसे करें, देखिए कैसे करते हैं। मुझे करना है 96 मल्टीप्लीकेशन 625 625 को, तो सिंपल सी मैं आपको बताऊं इसमें जो ट्रिक है वो ये है, बड़ा नंबर मैं ले नहीं रहा हूं, बड़ा नंबर भी आप प्रैक्टिस करके देखिए, डेफिनेटली इजी सॉल्व होगा इससे। फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसको भी आपको 9625 से मल्टीप्लीकेशन करना हो तो उसको क्या करें, जिसको भी मल्टीप्लीकेशन करना हो उसको 16 से डिवाइड कर दें, और सेकंड स्टेप में क्या करें, 10,000 से मल्टीप्लीकेशन कर दें। यहां से क्या करें, मल्टीप्लीकेशन क्या मतलब है, 10,000 हो चाहे 1 लाख हो चाहे करोड़ हो, क्योंकि जीरो ही लगानी है एंड में, बड़ा इजी होता है। ऐसे करके देखते हैं इसको, 6 को ये 96 रखा फ्रेंड्स, इसको डिवाइड किया 16 को, से डिवाइड किया कितना आया, 6 16 6 दे 96, और देन क्या किया, 4 0 लगा दिए। अब वैसे करके देखिए बहुत लंबा जाएगा आपका 625 को जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखते हैं करके क्या यही आएगा, 96 को मैं 100 माइनस 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल 625 00, इसको 4 बार लिखना है मुझे, 4 बार लिखने का मतलब 2 बार कितना होगा इसका, 1250 और 1250 और 1250 कितना होता है फ्रेंड्स, 1250 और 1250 2500, मैंने इस ट्रिक से भी किया तो मुझे इजी पड़ा, मैंने चेक कर लिया अपनी कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन सही है। ये ट्रिक्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपनी लेटर आने वाली वीडियोस में, आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया 525 125 और 625, जब भी हमें इनसे मल्टीप्लाई करना होगा तो हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे जो मैंने आपके पास ट्रिक डिस्कस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगी तो फ्रेंड्स जरूर कमेंट कीजिएगा और मेरा चैनल को आप शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे कि आप जानते होंगे ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आने वाली अपनी वीडियोज़ में और ट्रिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।